अमेजोन का ऑफिस है। मंदिर जो है ना पूरा गोल्ड का बना है अंदर से। बैंगलोर की जो मेन पॉइंट है वो ये बस हमें दिखाने वाली है। 400 है चार्ज, तो 20 रुपीज सर्विस चार्ज है। बेंगलुरु। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं आपको आईटी सिटी घुमाने वाला हूँ, यानी कि बैंगलोर सिटी। बैंगलोर सिटी आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। एक दिन में आप पूरा टूर कर सकते हैं। तो मैं हूँ और मेरे साथ में भाई है मिस्टर पंकज, जो हम दोनों साथ में टूर करने वाले हैं। तो एक दिन में जो मेन मेन जगह है वो मैं आपको घुमाऊँगा। घूमने के लिए आप कौन सा व्हीकल कर सकते हैं वो सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और सिटी बहुत अच्छी है, क्लीन सिटी है और बहुत प्यारी सिटी है। यहाँ के जो लोग हैं वो आपके हेल्पिंग नेचर है, तो आपके कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपकी हेल्प करेंगे करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सफ़र को। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, जो आप सामने देख रहे हैं ये अमेजोन का ऑफिस है और इसी के अंदर है ना बहुत सारे मॉल्स वगैरह बन रखे हैं। ओरिएंट मॉल है, काफ़ी अच्छा मॉल है। तो गाइस, तुमकुर बस स्टैंड से मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में आ चुका हूँ और यहाँ पे मेट्रो का भी है, मेट्रो से भी आप आ सकते हैं। तो टाइमिंग है ये इस्कॉन मंदिर ओपन होने का। तो यहाँ पे क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी मॉर्निंग का समय है तो मैं मॉर्निंग में आया हूँ, तो मॉर्निंग में इतना भीड़ नहीं मिलेगा। तो इस्कॉन मंदिर देख लेते हैं फटाफट। और ये बेंगलोर का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है गाइस। मेन मंदिर तो वो है, बीच में दो मंदिर और है, वो आप देखते हुए मेन मंदिर पर जा सकते हैं। लोग इतना खूबसूरत मंदिर बना रखा है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसको घूमने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। अब ये मेन मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो सामने हर जगह मेंशन कर रखा है, फोटोग्राफी नॉट अलाउड। गाइस, जो इस्कॉन मंदिर है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आप जब भी आ रहे हैं बैंगलोर ये ज़रूर देखिएगा। अंदर देखो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिर जो है ना पूरा गोल्ड का बना है अंदर से। मंदिर की जो मूर्ति है और साथ में जो छत्र वगैरह है जो लगाए गए हैं, पूरी गोल्ड की लेयर चढ़ी है और पूरा प्रॉपर एक सिस्टमेटिक एक मंदिर बना रखा है। और लास्ट में आपको यहाँ पर जब आप एग्जिट होते हैं आपको प्रसाद भी मिलता है। और बाकी आप अपने घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो सारे स्टॉल वगैरह, अगर कुछ डोनेशन देना चाहते हैं मंदिर को, वो सारी चीज़ें आपको मंदिर के अंदर सारा सिस्टमेटिक एक काउंटर्स वगैरह बनाए रखे हैं, तो ज़रूर आइएगा। तो गाइस, हम इस बस में घूमने वाले हैं, पूरा सफ़र करने वाला है। बेंगलोर की जो मेन पॉइंट है वो ये बस हमें दिखाने वाली है। कहाँ से चालू होती है बस ये? सॉरी, बस स्टैंड मेजेस्टिक। अच्छा, मैजेस्टिक से बस स्टार्ट होती है और कितने पॉइंट घुमाती है? तो गाइस, ये BMTC की गवर्नमेंट की बस है जो आपको पूरा बेंगलोर का सफ़र करवाती है। ये सारे पॉइंट है गाइस, टोटल 12 पॉइंट है जो कि ये बस घुमाती है। 400 है चार्ज, तो 20 रुपीज़ सर्विस चार्ज है। और अगर बच्चे हैं तो उनका है 300 रुपये। तो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी आप बेंगलोर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप बेंगलोर आते हैं तो एक दिन पहले आपको बुकिंग करवा लेनी है। तो गाइस, इस्कॉन मंदिर से हम निकल चुके हैं और इस्कॉन मंदिर के बाद हम जा रहे हैं विधानसभा देखने। 890 AD पे गंगा शिला शासन पे नाम मिला हुआ पद बेंगलुरु, लालबाग बोटानिकल गार्डन। तो गाइस, अभी ये बेंगलोर की हिस्ट्री बता रहे हैं, बेंगलोर कैसे बसा वो सारी जानकारी दे रहे हैं, तो आपको जगह जगह ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइस, इस्कॉन मंदिर से मैं आ चुका हूँ नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड से कुछ बना हुआ कुछ यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो गैलरी है वो मैं आपको पहले मैं देख के आ जाऊँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या है। बेंगलुरु जो पहले से वो ये BMTC की बस नहीं दिखाती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जैसे जो टिकट है वो काफ़ी महंगा है, 240 रुपये का टिकट है। यहाँ पर जो टिकट है वो 20 रुपये का टिकट है। गाइस, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर आपको छोटी छोटी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी, जिसके जिसको आप टेलीस्कोप के द्वारा ही देख सकते हो। वैसे आप देखोगे तो दिखेगी नहीं, बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स है जो कि पेंटिंग वर्क है, उसको आप वैसे टेलीस्कोप के बिना नहीं देख पाओगे। तो यही देखने लायक है। और ये पूल है, इसे मिरर पूल बोला जाता है। अभी ये खाली है, बस 10 मिनट के बाद इसको भरा जाएगा, तो इसको मिरर पूल बोला जाता है। और पास में एक गार्डन बन रखा है, गार्डन के अंदर स्टैचू वगैरह बन रखे हैं जो कि उड़ीसा बेंगलुरु के जो पत्थर होते हैं उसी से ये यहाँ पे स्टैचू वगैरह बन रखे हैं। तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं यहाँ पे, कुछ थोड़ा बहुत ही देखने का था जो मैंने दिखा नहीं पाया, क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना अलाउ नहीं था। 20 रुपये इसका चार्ज था। तो ये आप देख सकते हैं। और फ्लावर्स के लिए भी बेंगलुरु जाना जाता है, तो फ्लावर्स देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बेंगलुरु पैलेस है वो हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि BMTC की बस में वो नहीं दिखाया जाता है।
अब चलते हैं आगे। तो एक कुछ मेन मेन पॉइंट है जो BMTC की बस आपको घुमाती है और आपका सफ़र बहुत अच्छा रहने वाला है, और जगह जगह आपको बताते हुए चलते हैं कि भाई कहाँ पे क्या है, CM हाउस वगैरह सब कुछ दिखाते हुए चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट होने वाला है ये आपका बेंगलोर घूमने के लिए। बस जो है मैं सबको बस ही प्रेफर करूँगा, अगर आप कैब वगैरह में जाएंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको कैब के देने पड़ते हैं पर डे के हिसाब से। तो गाइज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट की विधानसभा। ये देखो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये विधानसभा है, और इसी के सामने है इधर हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट है। यार बहुत ही शानदार बनी, पूरी स्टोन से बनी, और इसी के पास में है ये विधानसभा है, इसी के पास में है छोटी विधानसभा जो कि वाइट कलर की, जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर की है छोटी विधानसभा। तो अंदर पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर से देख सकते हो, और उस और मैं थोड़ा दूर से कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि क्या है पूरा व्यू आ जाए। गाइस तो मैं आ चुका हूँ बुल टेंपल, ये बुल टेंपल है, और सामने सबसे पहले आपको गणपति टेंपल देखने के लिए मिलता है। मैं सबसे पहले आपको भगवान गणेश के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मंदिर लेके जाऊँगा और बीच बीच में कहानी भी बताता रहूँगा मंदिर की। हाँ जी, तो गाइस मैं जा रहा हूँ बुल टेंपल, और बुल टेंपल जो है उसका निर्माण जो बेंगलोर के राजा कैपेगौड़ा ने 1537 ईस्वी में करवाया था, तो 1537 ईस्वी में बना था, उसके पीछे कहानी भी है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो ये आपको जैसे सीढ़ियों में आप चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा एक स्टैचू वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये स्टैचू क्या बताते हैं, यहाँ पे मूंगफली का मेला लगता है नवंबर और दिसंबर के अंदर। तो गाइस इस मंदिर की कहानी इस प्रकार से है कि यहाँ पे पहले मूंगफली की खेती की जाती थी। मूँगफली की खेती जब होती थी उस समय क्या एक बेल आता था, फसलों को नुकसान कर देता था, तो गाँव वाले काफ़ी परेशान थे उससे। ऐसा उनके माइंड में आया कि यहाँ पे एक मंदिर बनाना चाहिए बुल का। तो मंदिर बनाने के बाद में फिर जो बुल है वो फसलों को नुकसान पहुँचाना उसने बंद कर दिया था, ये कुछ कहानी है। उसके बाद से यहाँ पे मेला लगना स्टार्ट हो गया था। तो ये मंदिर कौन सा है, श्री बिग बुल मंदिर, तो ये मंदिर है। तो देखो गाइस जो मंदिर था, जो मूर्ति बन रखी है नंदी की, वो 15 फीट ऊंची है और 20 फीट उसकी चौड़ाई है, और जो ये मूर्ति है ये ब्राउन पत्थर में बन रखी है, लेकिन इस पर जो तेल वगैरह लगाने के बाद ये काली पड़ गई है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, और यहाँ ये दुनिया का तीसरा मंदिर है जहाँ पे नंदी का जो स्टेचू है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। तो ये 3-4 पॉइंट अभी हमने देखे, और भी पॉइंट देखने बाकी है, टाइम थोड़ा कम मिल रहा है बस के अंदर, तो जैसा भी टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम शूट वगैरह कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो भाई लोगों आपको बुल टेंपल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना, और बेंगलोर आने का सोच रहे हैं तो आ जाओ घूम लो, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत है घूमने की जगह। तो लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है वही मैं देख रहा हूँ, एक दिन के अंदर समय मिला है मुझे। और वैसे तो यार IT सेक्टर है पूरा बेंगलोर, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहीं है, तो बहुत बढ़िया सिटी है ये, और क्लीन सिटी है, और यहाँ के जो लोग हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर है उनका। तो मज़ा आ गया यार बेंगलोर घूम के। अभी बस में घूमने का थोड़ा है समय कम मिल रहा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि बस वाले के बार बार फ़ोन आ रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो यही है। अब अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, अगले पॉइंट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, तो वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बाहर से हिस्ट्री वगैरह बता रहा हूँ, साथ में कुछ फोटोज़ वगैरह मौका मिल रहा था फोटोज़ वगैरह लेके बता रहा हूँ। तो ये हमारी बस खड़ी है, हमारे वेट कर रही है बस। आज गाइस तो मैं आ चुका हूँ टीपू समर पैलेस, इसे मैसूर के सुल्तान राजा हैदर ने बनवाया था, और उसके बाद में 1719 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान ने इसको पूरा करवाया था। तो उस समय के आर्किटेक्ट का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये आप सामने देख रहे हैं वुडन के अंदर ये बन रखा है, ये दिखने में आपको लग रहा है कि सीमेंट का बन रखा है लेकिन ये वुडन है, वुडन के अंदर इसको बनाया गया है। ये देखो ये पिलर्स पूरे वुडन के, तो 1719 ईस्वी में इसको टीपू सुल्तान ने पूरा करवाया था। उस समय इसको बनाने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे जो मीटिंग्स वगैरह रेस्ट करने के लिए
इसे बनाया गया था हैदर अली के द्वारा और टीपू सुल्तान ने इसको पूरा करवाया था। वहाँ जी गाइज ये था टीपू समर पैलेस जो कि आपने देखा। देखो ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, बस अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट वगैरह देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है ना बैंगलोर की वो ज़्यादा फेमस है, फ्लावर्स के लिए भी है ना बैंगलोर जाना जाता है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ बॉटनिकल गार्डन में। बॉटनिकल गार्डन है ना बहुत बड़ा गार्डन है और 240 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन है। तो गाइस ये बैटरी कार भी आप ले सकते हैं अगर आप चल नहीं सकते हैं तो, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसका चार्ज है। तो यहाँ पे आपको 18,000 से भी ज़्यादा प्रजाति के फूल वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, पौधे देखने के लिए मिलेंगे। बोनसाई पार्क तो गाइस ये है ग्लास हाउस, ये बॉटनिकल गार्डन में बना है, अभी इसका काम चल रहा है तो इधर भी कुछ बनेगा, अभी कुछ पता नहीं है क्या बनेगा। तो इसके पास में छोटे छोटे गार्डन्स बन रखे हैं जहाँ पे कई प्रजाति के फूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत बड़ा है यार, आप चाहें तो घूम सकते हैं, 3-4 घंटे आराम से घूम सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको लेके आया हूँ लालबाग की लेक पर, ये लोटस लेक है, आप देख सकते हो इसमें कमल के फूल उग रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी लेक है यहाँ की, ये देखो इधर भी बहुत बड़ी लेक है। तो गाइस यही था बेंगलुरु की वीडियो में आपको जो मैंने कुछ प्लेसेस घुमाए, कैसे लगे आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो पसंद आ रही है तो। और देखो हमारा जो शेड्यूल था ना बहुत ही थकावट कर देने वाला था, क्योंकि हम सुबह से घूम रहे हैं और अभी शाम की 5 भी बज चुकी है। तो ठीक है, अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट जो है वो मेन पॉइंट ही दिखाती है, बाकी जैसे बेंगलुरु पहले से वो नहीं दिखाती है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है और कई पॉइंट है। बाकी आप यहाँ की नाइट लाइफ है वो भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत ऐसी भी जगह है जो आप देख सकते हैं। जैसे नाइट लाइफ का मैंने बताया, डिस्कोटेक है, मॉल है बड़े बड़े, ओरिएंट मॉल जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।